सिंहवाड़ा नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने सभी से कोरोना के प्रति सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी से बचने का मात्र सावधान रहना व सफाई रखना ही बेहतर विकल्प है। साथ ही उन्होंने मास्क के प्रयोग की भी अपील की। इसके अलावा डॉक्टर मनोज वर्मा ने 22 मार्च को प्रधानमंत्री के आह्वान के पर आयोजित होने वाले जनता कर्फ्यू में सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि ये जनता कर्फ्यू जनता को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए है, जिसमें हम सबको सहयोग बेहद जरूरी है। शुभम समाचार से नितेश कुमार की रिपोर्ट। अपने सभी नगरवासी और क्षेत्रवासियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आजकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन का जो एपिडेमिक हमारे यहाँ फैला हुआ है, उसमें बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो मनुष्य से मनुष्य में जाता है, इसलिए हम अगर इसमें कुछ एहतियात बरतें तो हम इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सर्वप्रथम हम खांसने वाले मरीज से 2 मीटर की कम से कम दूरी बनाए रखें। खांसने वाला व्यक्ति ये एहतियात बरते, जब वो खांसे तो अपने मुंह पे टिश्यू पेपर रखे और मास्क का प्रयोग करे। मास्क का प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, ये मेनली जो हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए लाभदायक है जो एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में है। दूसरा, मैं पब्लिक से कल जो जनता का कर्फ्यू जनता के लिए लगा है, जिसकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे इसका पालन करें, मैं भी कहूँगा कि वो इसका पालन करें और जो समय है उसे अपने घरों में रह के व्यतीत करें। ये कोई किसी को परेशान करने की वजह से नहीं है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि कोरोना का वायरस 12 घंटे तक जीवित रहता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 14 घंटे का समय दिया है, इसमें वायरस की श्रृंखला टूट जाएगी और वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम सावधानी बरतें, हल्के कर्फ्यू में पूर्ण सहयोग दें और अच्छा आप लोगों का स्वास्थ्य रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।